Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience, has delivered more than 2200 results since 1999. This series To The Point, iske andar hum To The Point tarike se baat karte hain current affairs ki. Ek bari aapne current affair ko yahan se kar liya, it is done for the prelims. If you want to cover current affairs holistically, so there is a course that is running on. ये course है for pre as well as mains. यहाँ पे दोनों तरीके के current affairs को cover किया जाता है holistically, discussion based ये जो class रहती है. Online, offline form दोनों में आपको ही मिल जाएगा. And we have a 7 days free trial also. Link is in the description. Check out the quality first and then join. आज का जो हमारा topic है, that is e-Awas web portal. एक छोटा सा topic है. Again एक direct question इसमें से बन सकता है. UPSC की tendency रहती है कि इस type के portal से directly की implementing agency या ये कौन सी ministry के under है, ministries वगैरह को पूछना UPSC का एक favorite topic रहता है. So this is a hot topic और इसके ऊपर जो है question आ सकता है, तो इसको बहुत to the point तरीके से let us study कि ये क्या चीज़ है. एक दो terms बीच में आएंगी और हम जो है उन terms को भी देखते हैं साथ साथ. Probably उस पर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है. सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है कि यूनियन होम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द CAPF ई आवास वेब पोर्टल इन न्यू दिल्ली. तो ये एक पोर्टल लॉन्च हुआ था. CAPF, एवरीबडी नोज दैट इट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो वी हैव अ टेंडेंसी कि साथ साथ हम CAPF की भी जो है तैयारी करते हैं. आई थिंक यू माइट बी रिलेटिंग राइट नाउ. तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये, जो उनके पर्सनल्स होते हैं उनके घर के अलॉटमेंट के लिए ये एक पोर्टल है जो ई संपदा एक है. हमारा एक और पोर्टल चलता है उस उन लाइंस पे है, बट इट इज स्पेसिफिक टू CAPFs. एक बारी देखते हैं कि क्या चीज है. इन ऑर्डर टू ऑपरेशनलाइज द रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ अलॉटमेंट एंड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. तो अगर एक चीज पोर्टल पे ही आ गया तो एक वेटिंग लिस्ट बन जाएगी. तो देर इज एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी. किसमें? इन द अलॉटमेंट प्रोसेस अ कॉमन वेब पोर्टल बाय द नेम, ये नाम है CAPF ई आवास फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जिसको DPRA कहते हैं. और जो ई संपदा है उसके अंदर GPRA होता है, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. तो जस्ट अ साइड नोट. एंड सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन held by CAPFs and Assam Rifles. ये इन दोनों में थोड़ा सा एक स्लाइट सा फर्क होता है. I'll let you know कि क्या चीज़ है. थोड़ा सा आगे चलते हैं and towards the end of the video we'll see कि इसमें डिफरेंस क्या है. ये डेवलप हुआ है. यहाँ पे जो एक टर्म है, जस्ट टू गिव यू सम क्लैरिटी, सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि देर आर सर्टन प्लेसेज, सर्टन बेसिस कि जहाँ पे इट इज़ पीस, तो वहाँ पे उधर उनको घर अलॉट हो जाता है जहाँ पे फैमिली भी साथ में रह सकती है. बट देर आर सर्टेन स्टेशंस जहाँ पे फैमिलीज आर नॉट अलाउड, सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सनल. तो सेपरेटेड फैमिलीज के लिए भी जो है अकोमोडेशन उनके होम टाउन के अंदर जो है प्रोवाइड की जाती है. सो सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन का मतलब वो है. ये डिवोर्स वगैरह वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, इट इज दैट वन. द वेब पोर्टल इनेबल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, SFAs मतलब फैमिली की पूरी अकोमोडेशन, टू एलिजिबल पर्सन ऑफ ऑल CAPFs एंड असम राइफल्स. दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ, मैंने आपको बताया था अभी कि GPRA ऑफ ई संपदा. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. ई संपदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. अभी वी आर फोकसिंग ऑन ई आवास इन दिस वीडियो. दैट इज द स्मॉल वन कि CAPF के लिए वो है. एक बार CAPF में कौन कौन चीजें, कौन कौन सी जो हमारी फोर्सेज हैं वो इंक्लूड होती हैं, एक बार उसको देख लेते हैं. यूनिफॉर्म नॉमनक्लेचर है 6 फोर्सेस का ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. प्लीज बी वेरी केयरफुल कि ये MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है नहीं है, होम अफेयर्स का है. ये CAPFs फॉल अंडर होम अफेयर्स. तो अगर इनकेस कभी क्वेश्चन आता है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बट जस्ट टू पुट इट आउट, ये दिस इज द थिंग. दीज फोर्सेज आर कौन कौन सी? असम राइफल्स, BSF, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
आईटीबीपी एंड एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो ये हमारी सिक्स जो है फोर्सेस सीएपीएफ फोर्सेस में है। असम राइफल्स की मैं आपको जो मैं बात बता रहा था कि सीएपीएफ आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, उनका ऑपरेशनल कंट्रोल भी जो है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। असम राइफल्स एक ऐसी एजेंसी है जिसका जो कंट्रोल है इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट जो इसकी वर्किंग है वर्किंग इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये इंडियन आर्मी के बहुत क्लोज जो है ये काम करती है, असम राइफल्स दोनों के अंडर कह सकते हैं इसको आती है। इट फॉल्स अंडर दिस, वर्किंग इसकी जो है वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो देखता है। तो इस टॉपिक से, ई आवास के टॉपिक से हमारा सीएपीएफ थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है कि कौन कौन सी सिक्स ब्रांचेस उसमें आती हैं एंड असम राइफल्स इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक्चुअल कंट्रोल वर्किंग कंट्रोल किसके पास है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये साथ में एक्टिव हो जाती हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है विच इज़ देयर, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन पॉज एंड यू कैन मार्क, अरे अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल राइट नाउ, अभी क्योंकि आपने इमीडिएट पढ़ा है एंड इमीडिएट पूछ लिया गया है इट इज़ साउंडिंग वेरी सिंपल, बट अदरवाइज ये बहुत एक जेनरिक सा नाम है, इट कैन स्किप योर माइंड, है ना। दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग सच लॉन्ग स्टोरीज इन टू इट, और छोटी सी बात है लेकिन सच लॉन्ग स्टोरीज, इट विल हेल्प यू रिटेन। ई आवास इज वेब पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सी ए पी एस या फिर आई पी एस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। सो यू नो दैट दिस इज द आंसर, सिंपल इनफ करंट अफेयर, एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु आई ए एस।